यहाँ पर अपना कंट्री नेम यानी कि आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर आपका कंट्री नेम है, जैसे इंडिया, नेपाल वगैरह, जहाँ भी जो भी आपका है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। जैसे आपका इंडिया है तो इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका फुल नेम, जो आपका नेम हो, फुल नेम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपका फुल नेम फिलअप करना होगा। अगर आपको करेक्शन करना है, यस नाम आपका सही है या चेंज करना है, अगर चेंज नहीं करना है तो नो कर दीजिए, अगर चेंज करना है तो यस पे करके फिर से दोबारा आप चेंज नाम कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको करना होगा, फिर री इंटर वहीं पर यानी कि रीटाइप करना होगा आपको वही डेट और डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेलेक्ट जेंडर, यानी कि जेंडर आपका है जो, या मेल हो, फीमेल हो, जो भी हैं। अगर आप फीमेल के लिए, आप फीमेल पे क्लिक कर सकते हैं, या मेल हो तो मेल के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्लिक कर सकते हैं ऐसे ही। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रीसिलेक्ट जेंडर, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपके फादर्स नेम यानी कि आपके पापा का नाम, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम, और यहाँ पे री इंटर यानी कि री टाइप करना होगा आपको दोबारा। यहाँ पे मदर नेम आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे री टाइप करना होगा आपको दोबारा वही नेम। और यहाँ पे आधार कार्ड वेरिफिकेशन, आधार कार्ड आपके पास अगर नहीं है तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगा के इस फॉर्म को प्रूफ भी आप आवेदन कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस पर आप क्लिक कर पाएंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आधार कार्ड का यहाँ पे आपको नंबर जो है 12 अंक का कोड जो आपका होने वाला है वो इस पर टाइप करना होगा, वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आगे आपके सामने जो इंटरफेस खुल के आएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऐसे ही सिंपल सा आपका ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस यानी कि ईमेल आईडी आपको देना होगा। उस पर ओटीपी आएगी, 6 अंक की कोड यानी कि 6 अंक का कोड आएगा, उसको फिलअप करना होगा आपको। मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी जनरेट किया जाएगा यानी कि ओटीपी आएगा, उसको फिलअप करके यहाँ पे आपको एक अपना पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बना के आपका जो पासवर्ड रहेगा, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे जो पासवर्ड आप बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड आपके लिए, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे कैप्चर कोड दिया रहेगा आपका जो, वो यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रीव्यू एड एंड क्रिएट अकाउंट, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं बनाया तो अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद आपको आगे जानकारी आइए दे दी जाए। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की जो भर्ती आई थी आप सभी के लिए, ये आपको बताएंगे, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आप सभी के लिए बहुत ही बम्पर पदों पर भर्तियां निकल के आ चुकी हैं। आपको कैसे फॉर्म को आवेदन करना होगा, आपकी जॉब क्या होने वाली है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कंप्लीट किए हो तो भी फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे, अगर ग्रेजुएशन ना भी कम्प्लीट किए हो तो भी, आप अंडर ग्रेजुएशन है फिर भी इस फॉर्म को आप आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन आपको बता दिया जाए तो ऑल इंडिया है, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यह है कि ऑल इंडिया के किसी भी कोने में आपकी जॉब कहीं भी लग जाएगी। टोटल वैकेंसियां तो आपको पता ही है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्रेजुएट लेवल के लिए, जो अगर ग्रेजुएट कंप्लीट किए हों उनके लिए यहाँ पे 8113 पदों पर, और अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो पोस्टें निकाली गई हैं वो 3445 पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिए हों तो आपके लिए सुनहरा मौका निकल के आ चुका है। दोस्तों देखिए, कहने का मतलब ये है कि आप अगर फॉर्म को आवेदन करेंगे ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करेंगे आप, या नॉन ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे, आपको आवेदन क्या करना है, दोनों पोस्टों को आवेदन जरूर कर देना है। क्योंकि इसमें ये होगा कि अगर कट ऑफ आपका ग्रेजुएट कंप्लीट का जो कट ऑफ आपका ज़्यादा जाएगा या इसका नॉन ग्रेजुएट का कम जाएगा, तो आप में अगर ग्रेजुएट में ज़्यादा जाएगा तो इसमें जो नॉन ग्रेजुएट है यानी कि अंडर ग्रेजुएट जो है उसमें आप सभी का सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अलग अलग पोस्टों पर जिस प्रकार से वैकेंसियाँ निकाली गई हैं वो इसी के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। आपको अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हों तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, आप दोनों पोस्टों के लिए आवेदन ज़रूर ही कर दीजिएगा, ताकि अगर एक पोस्ट में यानी कि यहाँ पे जो ग्रेजुएट लेवल में आपकी एग्ज़ाम होगी उसमें अगर क्या है कि आपकी अगर कट ऑफ कम गया तो उसमें सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा, और अगर अंडर ग्रेजुएट के लेवल में अगर आपको ये आपको बता दिया जाए कि दोनों भर्तियां अलग अलग हैं, दोनों भर्तियों का अलग अलग एग्ज़ाम भी होगा। दोस्तों आपको समझने की बात ये है कि इसमें भर्तियां दोनों अलग हैं और दोनों भर्तियों का अलग अलग एग्ज़ाम होगा, अलग अलग कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, तो आपको फॉर्म को आवेदन ज़रूर दोनों करना है। और यहाँ पर अप्लाई मोड आपको ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को आपको आवेदन करना होगा। और यहाँ पे आपको बता दिया जाए ऑनलाइन यानी कि इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट आपकी जो है वो यहाँ पे 14 सितंबर 2024 है, जो पोस्टें अपलोड की गई थी यानी कि शुरुआती डेट फिक्स की गई थी वो आपकी जो यहाँ पे एंड डेट है यानी कि जो डेटें फिक्स की गई हैं वो 13 अक्टूबर 2024 है। दोस्तों अंडर ग्रेजुएशन ग्रेजुएट पोस्ट के लिए यहाँ पे 21 सितंबर से
20 अक्टूबर 2024 तक है दोस्तों। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो सिंपल और सिंपल 12+2 यानी कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हों तो 12+2 ओनली, और अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 12वीं भी पास है फिर भी आप आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट के बारे में आपको बता दिया जाए तो एज लिमिट जो यहाँ पे है 18 से 33 वर्ष, और यहाँ पे 18 से 36 वर्ष एज निर्धारित की गई है। जो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए भर्तियाँ निकाली गई हैं वो 18 से 33 वर्ष यानी कि 18 से 36 वर्ष, और जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई हैं वो 18 से 33 वर्ष की एज होनी चाहिए। यहाँ पे SC ST OBC कैंडिडेट को एज में छूट भी दिया जाएगा, जो कि SC ST कैंडिडेट को 5 वर्ष का छूट और OBC कैंडिडेट को बिल्कुल 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 18 वर्ष से टोटल और टोटल 41 या 42 वर्ष की एज यानी कि एज है तो भी इस फॉर्म को आप आवेदन कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, यानी कि 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे आइए बात कर लीजिए सिलेक्शन आपका कैसे होगा, तो यानी कि RRB NTPC की जो भर्ती है इसमें सिलेक्शन आपका कैसे होगा। तो सिलेक्शन जो आपका किया जाएगा, पहले दोस्तों CBT टेस्ट आपका होगा, उसके बाद CBT फर्स्ट और सेकंड होगा, स्किल टेस्ट भी आपका होने वाला है, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट भी आपका होने वाला है। दोस्तों आपको ये ज़रूर अपने ध्यान में रखना है कि मेडिकल टेस्ट भी आपका होगा। लास्ट में आप सभी को फाइनल मेरिट यानी कि आपकी जो होगी ज्वाइनिंग लेटर भी बना के आपको दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए आगे आपको बता दिया जाए, आपको फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहीं से जाकर आप फॉर्म भी आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अगर आपका अकाउंट बन चुका है तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना आगे भी डॉक्यूमेंट फिलअप कर पाएंगे, अगर नहीं बनाया तो यहाँ से आप अकाउंट बना के अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। फॉर्म फिल कैसे करेंगे ये आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं, वहीं से जाकर फॉर्म को बिना किसी प्रॉब्लम के आप आराम से आवेदन कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आपसे एक जरूरी बात बता दें कि आप किस राजौर जिले से बिलोंग करते हैं, आप अपने राजौर जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए ताकि आपके राजौर जिले से कोई भी नया नोटिफिकेशन, कोई भी नई भर्ती निकल के आएगी तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बता सकें। आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर पा रहे होंगे, बिना किसी प्रॉब्लम के आप फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं, वहीं से जाकर आप आवेदन भी कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।